हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप अपने न्यू फ़ोन में ईमेल अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप न्यू फ़ोन में ईमेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों दरअसल होता ये है, जब आप न्यू फ़ोन लेते हो तो वहाँ पर आप लोगों का कोई भी जीमेल या ईमेल अकाउंट नहीं होता है। जैसा कि मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी जीमेल नहीं बना हुआ है। और दोस्तों आप चाहिएगा ना यूट्यूब पर किसी के वीडियो को लाइक करना, किसी के चैनल्स को सब्सक्राइब करना, तो वो भी नहीं होगा। लाइव मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों, अभी ये वीडियो मैंने प्ले किया, लाइक करने का कोशिश करता हूँ तो यहाँ आपको अकाउंट ऐड अकाउंट करके ऑप्शन आ जाता है। सब्सक्राइब करने की बात करें तो फिर भी ये सब्सक्राइब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आपके फ़ोन में जीमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट नहीं होता है तो आप किसी भी वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं, और दोस्तों ना ही आपका प्ले स्टोर चलेगा, आप लोगों को साइन इन करके आएगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आप न्यू फ़ोन लेने के बाद आप उसमें अपना न्यू ईमेल अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। उनसे पहले अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दीजिए इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना है। दोस्तों आपके न्यू फ़ोन में ईमेल अकाउंट बन जाता है तो आपका प्ले स्टोर, यूट्यूब और क्रोम ब्राउज़र, गूगल सब चलने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, उनके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जीमेल या ईमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद यहां आप लोगों को दिख रहा होगा गोटीट, तो आपको गोटीट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। गोटीट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा दोस्तों ऐड ईमेल एड्रेस, तो आपको ऐड ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। अब आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा गूगल, तो आपको गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है ना दोस्तों। गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद चेकिंग इन्फो करके आएगा, उनके बाद आपके पास कुछ न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों क्रिएट अकाउंट, तो आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों, फॉर माई चाइल्ड यानी कि दोस्तों बच्चे के लिए बना सकते हैं, और यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों माई बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस करने के लिए ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो माई बिजनेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप अपने चैनल्स या खुद के लिए फ़ोन के लिए बनाना चाहते हैं, अपने फ़ोन में रखने के लिए अपने ईमेल आईडी, तो यहाँ आप लोगों को दोस्तों फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ का जो नाम है, आप जो नाम रखना चाहते हैं यहाँ पर आप लोगों का नाम दे देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसका नाम भी लिख लेते हैं। दोस्तों आप जो भी ईमेल का नाम रखना चाहते हैं नाम दे देना है, फर्स्ट वाला ऑपरेशनल है, और यहाँ आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप सभी को यहाँ क्या करना है दोस्तों, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ को हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ आपको जनरल, तो इस एरो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आपको मेल फीमेल, दोस्तों अगर आप मेल है तो मेल के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल के ऊपर। तो दोस्तों मैं फीमेल हूँ तो फीमेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ दरअसल, और यहाँ आप लोगों को दोस्तों दिख जाएगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आप चाहे तो अपने ईमेल को क्रिएट भी कर सकते हैं, आप अपने बावजूद नहीं तो यहाँ आपको यूज़ मोबाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। उनके बाद दोस्तों यस यूज़ नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। उनके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास कुछ न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ सेकेंड तक वेट करना है, यहाँ आपको चेकिंग न्यू नंबर करके आएगा, उनके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर ऊपर स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आप जो भी अपने जीमेल का पासवर्ड रखना चाहते हैं आपको अपने जीमेल का पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपको अपने ईमेल का पासवर्ड वो 8 अंक का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं अपने 8 अंक का पासवर्ड को ऐड कर लेता हूँ। 8 अंक का पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ आपको सबसे नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपका जो जीमेल अकाउंट है ये बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों अभी देख सकते हैं कुछ सेकेंड तक आपको वेट करना होगा आप लोगों के पास। यहाँ आपको गूगल सर्विस करके आएगा, उनके बाद दोस्तों आपका जो आपके नए फ़ोन में जीमेल अकाउंट ये बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग पहले इसे बैक कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन में दोबारा से जीमेल या ईमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को लाइव दिख रहा होगा कि हमारे न्यू फ़ोन में ये जीमेल अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों अभी हमारा जीमेल भी बन चुका है। अभी मैं प्ले स्टोर ऐप को ओपन करता हूँ तो वो भी चलने लगेगा। अभी आप लोगों को लाइव दिख रहा होगा कि दोस्तों पहले नहीं चल रहा था लेकिन अब चलना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यूट्यूब की बात की जाए, यूट्यूब हम ओपन करते हैं तो यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ से हम कोई भी शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं और दोस्तों आपको कोई भी वीडियो मगर आपको पसंद आ जाता है तो दोस्तों यहां से हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये वीडियो पसंद आ गया, इसे हम लाइक करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, ये सारा आपका काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स आप अपने नए फोन में इस तरीके से ईमेल अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।